देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक, हमसे बोला गया है कि इन चार नंबर्स में से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि क्या है, किसी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नहीं है बोला इसने, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोला है? नॉट, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। कैसे करेंगे? क्या सॉल्व करेंगे? क्या पूरा सॉल्व करेंगे इस चीज को? नहीं। हम लोग जब क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का, मान लो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्लियर। जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81। यहां से एक चीज देखना, यहां से जो यूनिट डिजिट है ना, चाहे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लें, मान लो यहां पे 1 का स्क्वायर किया, 21 का स्क्वायर करेंगे तो भी आखिरी में क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये 12 का स्क्वायर है, मान लो 12 का स्क्वायर किया, ये 2 का स्क्वायर 4 है, 12 का स्क्वायर किया 144 होगा। क्या होगा? 144 होगा 12 का स्क्वायर, एंडिंग में 4 आएगा। 22 का स्क्वायर किया, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484 होगा, नहीं होगा? 484 हुआ, 484 हो गया। तो क्या हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो यूनिट डिजिट निकल के आ रही है ना, ये स्क्वायर में या तो 1 आ रही है, 4 आ रही है, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, मतलब 1, 4, 5, 6, 9, 1, 4, 5, 6, 9। सिर्फ ये जो 5 ऐसे डिजिट है जो कि क्या होगी, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 1 होगी, या 4, या 5, या 9, या फिर 6 होगी। इनके अलावा किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दें, इनके अलावा किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दें, हमारे पास ना ही यूनिट डिजिट 2 मिलेगी, ना ही 3 मिलेगी, और ना ही क्या मिलेगी, 8 और 7 मिलेगी। 8 और 7 किसी का भी करके देख लीजिए, हमें एंडिंग में क्या मिलेगा रिजल्ट यूनिट डिजिट पे स्क्वायर का? 14569। इनके अलावा एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि क्या हो, यूनिट डिजिट पे आए स्क्वायर करने के बाद। क्लियर है? तो यहां से हम कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे 6 है, हाँ 6 आता है, यहां पे 5 है, हाँ 5 भी आता है स्क्वायर में, तो स्क्वायर पूछा ना, परफेक्ट स्क्वायर। क्या यहां पे 1 है? हाँ 1 भी आता है। क्या 2 आता है कि परफेक्ट स्क्वायर में? परफेक्ट स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का तो एंडिंग में 2 आता है क्या कभी? बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। नॉट अ बोला है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी दिया हो, कितना भी नंबर बड़ा दिया हो, अगर हमसे बोला जाए कि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात की जाए, तो हमें ध्यान में यह बात रखना है कि 14569 अगर यूनिट डिजिट पे आता है तभी क्या चांस बनता है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। वो है या नहीं है वो अलग बात है, अगर हमने देख लिया 14569 है तो एक चांस बनता है कि हाँ वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन इन पांचों नंबर के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर है तो हम 1000% श्योर है इस चीज के बारे में कि वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर कदापि नहीं होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो अपने एंडिंग में 2 दे दे, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दो अगर एंडिंग में 2 आ जाए ना तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर में 15679 नंबर से आते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में ये जो 4-5 नंबर लिखे हैं ना, इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं आता है। क्लियर? तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए ना तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर हमसे बोला गया है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर में तो हमारे पास एंडिंग में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 14569। लेकिन यहां पे क्या है, यहां तो 2 दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है 2 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 कभी परफेक्ट स्क्वायर आ ही नहीं सकता एंडिंग में। ठीक, क्लियर है बात? If we square a number, square a natural number
इफ वी स्क्वायर ए नेचुरल नंबर देन वी ओनली गेट हमें क्या मिलेगा सिर्फ 1, 4, 1, 4, 5, 6, 9 सिर्फ ये 5 नंबर्स मिलेंगे एट यूनिट प्लेस। क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। क्या कि अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे, इफ वी स्क्वायर अ नेचुरल नंबर देन वी ओनली गेट 1, 4, 5, 6, 9 एट यूनिट प्लेस। किसी भी नंबर, चाहे वो कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो हमें यूनिट प्लेस पे या तो 1 मिलेगा या 4 या 5 या 6 या 9, इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं मिल सकता। इनके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो यूनिट प्लेस पे आए किसी का भी स्क्वायर करने के बाद। तो यहां से क्या हुआ, हमने, हमें अगर ये चीज पता है तो हम डायरेक्टली क्या कर पाते, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाते बिना कॉपी पेन उठाए। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, अगर हम क्या करें उसकी जो वंस प्लेस वाली डिजिट है उसे यूनिट प्लेस बना दे और यूनिट डिजिट वाली वंस प्लेस बना दे, ठीक, और दोनों को ऐड कर दे, तो हमें बताना है कि जो रिजल्ट आएगा ना वो किस नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा वो नंबर। देन द रिजल्टिंग नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय, रिजल्टिंग नंबर मतलब इंटरचेंज करने के बाद वाले डिजिट वाला नंबर और इंटरचेंज करने के पहले वाला नंबर, दोनों को ऐड करना है। क्या क्वेश्चन है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स वाई, एक्स क्या है टेंस प्लेस पे, वाई क्या वंस प्लेस पे। क्या बोल रहा है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, ठीक, इंटरचेंज कर दो, नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, नंबर कौन सा, जब डिजिट को क्या किया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब x को y बना दिया जाए, y को x, या फिर वंस प्लेस की डिजिट को टेंस प्लेस की डिजिट बना दे और टेंस प्लेस की डिजिट को वंस प्लेस की डिजिट बना दे, तो क्या होगा, ठीक, फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग। अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट है वो बताना है किससे डिविजिबल होगा। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, एक्स वाई को वाई एक्स में ऐड करेंगे, एक ओरिजिनल नंबर एक नया नंबर है, जब नए नंबर को ऐड करेंगे पुराने नंबर में, तो हमें बताना है कि ये वाला नंबर किससे डिविजिबल होगा, कौन से नंबर से, ठीक, कैसे करेंगे, ये जो एक्स की वैल्यू है ना उसे टेन एक्स लिख सकते हैं हम लोग, प्लस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्या ये वाई इसे टेन वाई लिख सकते हैं, फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू, प्लस फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू, क्या ये हो जाएगा 11x हो जाएगा, ये क्या ये 11y हो जाएगा, क्या यहाँ से 11 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर ये नंबर 11 प्लस वाई का मल्टीपल है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 11 से डिविजिबल होगा, 11 से तो डिविजिबल होगा किससे भी हो, लेकिन हम x और y की वैल्यू कुछ भी रख दें ये 11 से डिविजिबल होना है। देन द रिजल्टिंग नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय, होना ही चाहिए, किससे होना चाहिए, 11 से तो होगा ही क्योंकि 11 का मल्टीपल है, ठीक, 11 का मल्टीपल है तो 11 से तो डिविजिबल होगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, x प्लस वाई बचेगा। डिवीजन के लिए पूछा है कि किससे डिविजिबल होगा, तो कॉमन निकाल लिया x प्लस वाई, जब ये x y y x में हमने देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या किया है, प्लेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू किया है, तो लगभग सारे क्वेश्चन में हमें यही करना है कि प्लेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू कर लो, क्योंकि यहां से तो समझ नहीं आ रहा, इतना देखे तो समझ थोड़ी आ रहा हमें क्या करना है। हमने जब उसकी फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू किया ना, तब जाके हमें समझ आया कि भाई यह क्या है, टेन वाई है वाई की वैल्यू और एक्स एज इट इज है, ठीक, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स और वाई हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन वाई प्लस एक्स हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया, 11x plus y, मतलब वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 11 से, किससे, 11 से डिविजिबल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों के पास एक 3 डिजिट का नंबर दिया हुआ है। इधर 3 डिजिट नंबर, द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस इज 2 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट प्लेस। मतलब एक 3 डिजिट का नंबर है, उसमें जो हमारी डिजिट रहेगी 100 प्लेस पे वो क्या है, 2 टाइम्स है। किसके? जो डिजिट 1 प्लेस पे रहेगी उसके 2 टाइम्स है। आगे क्या बोल रहा है कि एंड द सम ऑफ द डिजिट्स आर 18। मतलब 3 डिजिट है, तीनों डिजिट का सम कितना है 18। दूसरी कंडीशन, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब अगर हमारे एक्स वाई जेड नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं जिनसे एक नंबर बन रहा है, तो अगर हम जेड वाई एक्स ले लेंगे तो हमारे पास जो नया नंबर आएगा वो क्या रहेगा, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 396। अगर नया नंबर देखेंगे तो जो पुराना नंबर है ना, पुराना नंबर कम हो जाएगा 396। ठीक, अगर पुराने नंबर में हम 396 माइनस कर देंगे ना, तब जाके हमारे पास नया नंबर आएगा, क्योंकि वो रिड्यूस हो चुका है। कितना? 396। द डिफरेंस ऑफ हंड्रेड्स एंड टेंस डिजिट एट द नंबर। ठीक, तो हमसे बोला गया है कि जो 100 प्लेस पे और जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका डिफरेंस कितना है। द डिफरेंस ऑफ हंड्रेड्स एंड टेंस डिजिट ऑफ द नंबर, उस नंबर की। ठीक, कैसे करेंगे? लेट, सबसे पहले तो लेट से स्टार्ट करते हैं हमेशा सारे क्वेश्चंस। लेट द 3 डिजिट नंबर बी, कौन सा हो जाएगा 3 डिजिट नंबर, क्या मान ले, एक्स वाई जेड। जहां पे वंस प्लेस पे है एक्स, टेंस प्लेस पे है वाई और 100 प्लेस पे है एक्स। ठीक, ये नंबर मान लिया। उसने क्या बोला है कि द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस इज 2 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। मतलब जो 100 प्लेस पे डिजिट है ना एक्स, 100 प्लेस पे वही तो है, जो एक्स है ना वो क्या है, 2 टाइम्स है। किसके? 2 टाइम्स द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे कौन है? जेड। एक कंडीशन ये बन गई, क्लियर। आगे चलते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स आर, ये 3 डिजिट्स हैं एक्स वाई एंड जेड, तीनों का सम कितना है, तीनों का सम कितना है x प्लस वाई प्लस जेड। कितना दिया है 18, कितना दिया है 18, तीनों का सम कितना है यहां पे 18। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर हम उस डिजिट को रिवर्स कर दें, मतलब नया नंबर लेके आए, न्यू नंबर बी जेड y एंड x, डिजिट्स को क्या किया, रिवर्स कर दिया, x y z थी तो जो यूनिट प्लेस पे था वो आ जाएगा 100 प्लेस पे, जो 10 प्लेस पे था वो आएगा 10 प्लेस पे, और जो 100 प्लेस पे था वो आ जाएगा 1 प्लेस पे, नया नंबर आ गया। ठीक, जो नया नंबर है इस रिड्यूस्ड बाय 396, नया नंबर जो आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड है, छोटा है पुराने नंबर से, नया नंबर छोटा है तो नए नंबर में एड करना पड़ेगा कुछ, तभी जाके हम लोग पहुंचेंगे उस नंबर पे, क्योंकि नया नंबर छोटा है। नया नंबर क्या है, z y x, इसमें हम ऐड करेंगे 396, क्योंकि ये छोटा है, छोटे में कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी तो हम बड़े के पास पहुंचेंगे। और बड़ा नंबर कौन सा है, x y z, बड़ा नंबर कौन सा है, x y z। अब क्या होगा, यहां से 3 नंबर फाइंड आउट करने, तीनों नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि डिफरेंस बताना है वंस प्लेस और 100 प्लेस वाले नंबर का। ठीक, यहां से लेकिन अगर वो तीनों पूछता ना हमसे, तीनों का एडिशन पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता, हम लोग उसे सीधे क्या कर देते, आंसर दे देते निकाल के। अब क्या बोला है कि द नंबर इज रिड्यूस बाय 396, मतलब ये नया नंबर था वो पुराना नंबर था, तो पुराने वाले नंबर से 396 पीछे चला गया, वो पीछे चला गया। ठीक, अब क्या इसे क्या हम लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100z प्लस 10y प्लस x प्लस 396। अभी तक यही तो करते आ रहे हैं हम लोग, अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो उसे ब्रेक करके फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू प्लस फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू, 100x प्लस 10y प्लस z, क्या ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से जो 10y कैंसिल हो जाएगा, 10y क्या है, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 100z माइनस z, कितना होगा, कितना हो जाएगा 99z प्लस 396
इज इक्वल टू 100x माइनस x 99x। तो क्या एक चीज देख पा रहे हैं कि ये तीनों क्या है, 99 के मल्टीपल है। 99 से डिवाइड करेंगे तीनों को तो कितना हो जाएगा, ये आएगा z, 4 टाइम्स जाएगा ये, 4 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा x। एक इक्वेशन यहां से ये निकल के आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास गिवन थी। तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन, क्या सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां से z की, x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू रखो यहां पे, z प्लस 4, x की वैल्यू हमने रखी यहां से कितनी आएगी, 2z। तो ये क्या दे देगा, z इज इक्वल टू z, z इधर जाएगा कितना हो जाएगा, z इक्वल टू 4, z इक्वल टू 4। अगर z की वैल्यू 4 आ गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, x बराबर 8। अगर x और z की वैल्यू आ गई, हमें वैसे मतलब तो नहीं है, किससे मतलब नहीं है, ये वाली इक्वेशन से, क्योंकि हमें y से कोई मतलब नहीं है, ठीक, हमें 100 और 10 वाले से बोला है, सॉरी हमें z से कोई मतलब नहीं है, हमें बोला है सिर्फ इस चीज से मतलब है, किससे, 1s प्लेस, 10s प्लेस वाले से और 100 प्लेस वाले से। 10s प्लेस पे क्या है, y कैसे निकालेंगे, x दिया है, y अपन ने निकाल लिया, यहां से इक्वेशन x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 18 माइनस जेड, या फिर बोल दें कि x की वैल्यू कितनी है 8, y निकालना है, z की वैल्यू कितनी है, यहां से निकल के आ गई 4 इक्वल टू 18, ये 18 है बिल्कुल, y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 6, y की वैल्यू कितनी आ गई। अब हमसे क्या बोला, x भी है, y भी है, z भी है, वो नंबर हमारा कौन सा था, वो नंबर था हम लोगों का 8, 6, 4, वो नंबर कौन सा था, 864 नंबर था, 864 नंबर था, ठीक। अब हमसे क्या बोला गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हंड्रेड्स एंड टेंस डिजिट, हंड्रेड्स पे कौन है, एक्स, एक्स और वाई का डिफरेंस बताओ, एक्स और वाई का डिफरेंस बताओ कितना आ जाएगा यहां से, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 2, यही क्या है आंसर, यही क्या है आंसर, क्लियर है बात यहां तक, बात क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में गिवन था वही लिखा है, कंडीशंस दिख गई, कंडीशन दिख गई तो हमने ये बना लिया, यहां से फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू, क्योंकि ये नंबर है, ये नंबर है, यहां पे ये नंबर अलग अलग है, x प्लस वाई प्लस जेड हमें डिजिट्स का सम बोला है, तो x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा नहीं करेंगे कि कितना 100x प्लस 10y प्लस जेड 18 दिया है, नहीं, डिजिट्स जो लिखी है ना उनका सम बोला है, यहां तो हमने डिजिट को अलग अलग कर लिया, ये नंबर है, ये डिजिट है, ठीक, हमने ये डिजिट है हम लोगों के पास, एक्स वाई जेड तीनों का सम 18 बोला है, ये क्या है, ये नंबर है, नंबर को इस टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन डिजिट का सम 18 बोला था तो हमने इसलिए नहीं किया, 100x प्लस 10y प्लस z इसलिए नहीं किया, यहाँ पे डिजिट्स का सम बोल दिया गया है, डिजिट्स मान ली थी x, y, z तीनों का सम, यहाँ पे नंबर था हमने अपनी मर्जी से ब्रेक कर लिया, गिवन नहीं है, अपनी मर्जी से हमने ब्रेक कर लिया आंसर लाने के लिए ताकि कंडीशन बन जाए, क्लियर है बात यहाँ तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन 12, 16, 18, 20 एंड 25 डिवाइड द लीस्ट नंबर x, एक सबसे छोटा नंबर x है जो कि क्या कर रहा है, 12, 16, 18, 20, 25 से डिविजिबल है, ठीक, तो क्या होगा, द रिमाइंडर इन ईच केस इज 4, मतलब हम किसी नंबर x को अगर 12, 16, 18, 20, 25 से डिवाइड करेंगे तो हर केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 4, और ये भी बोल रहा है कि x जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 7 से, हम x तो निकाले, वो नंबर तो निकाले, लेकिन जो नंबर आए वो क्या डिविजिबल होना चाहिए 7 से, तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द डिजिट एट द 1000 प्लेस इन x, मतलब जो हम नंबर फाइंड आउट करेंगे जो कि क्या होगा 12, 16, 18, 20, 25 से डिविजिबल होगा और हर केस में क्या देगा रिमाइंडर 4 देगा, लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो रिमाइंडर देगा वो तो ठीक है, लेकिन जो x आएगा ना वो डिविजिबल भी होना चाहिए 7 से, क्लियर है बात, दो कंडीशन है यहां पे, बात क्लियर है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो जब भी हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है हम लोगों के पास, हमने 3 और 4 के लिए पढ़ा था ना उस दिन, ठीक, 3 और 4 के लिए पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर 4 केसेस थे टोटल,
या तो रिमाइंडर ना आए, ठीक। अगर रिमाइंडर आए तो क्या हो, वो इक्वल हो, ठीक। अगर रिमाइंडर आए और इक्वल ना हो तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि रिमाइंडर और डिविजर का डिफरेंस सेम है क्या। अगर दोनों अलग अलग आए तो ऐसे बहुत कम केस होते हैं, लेकिन चारों के तरीके हमने देख लिए। तो ये कौन सा केस है, रिमाइंडर हर केस में क्या आना चाहिए, 4। तो इसमें क्या किया था हमने, एलसीएम लिया था उन नंबर्स का और क्या ऐड किया था, रिमाइंडर। क्या ऐड किया था, रिमाइंडर ऐड कर दिया था, ठीक। इसका मतलब क्या है, एन बाई 12, एन बाई 16, एन बाई 18, एन बाई 20 एंड एन बाई 25। हर केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर हर केस में आ रहा है 4। इस केस में भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो नंबर क्या होगा, वो नंबर यहां पे नंबर क्या है, x। तो वो नंबर क्या होगा यहां पे, इस केस में n बराबर x है, हमने x के लिए पढ़ा था, यहां n बराबर x है वो नंबर। तो x क्या होगा यहां पे, LCM of 12, 16, 18, 20 एंड 25, ठीक, प्लस रिमाइंडर। ये हुआ था LCM ऑफ नंबर्स प्लस रिमाइंडर, यही तो पढ़ा था हमने उस दिन। क्या पढ़ा था, LCM ऑफ नंबर्स प्लस रिमाइंडर, क्लियर, यही पढ़ा था, ठीक। अब हम लोगों के पास क्या है, यहां पे 5 नंबर्स हैं, वहां पे कितने नंबर्स थे, टोटल 2 नंबर थे, क्लियर। अगर हम ये निकाल लें कि LCM ऑफ 12, 6, 18, 20 एंड 25 प्लस रिमाइंडर, तो क्या यहां से ये क्लियर हो जाता है कि वो नंबर डिविजिबल है 7 से, बिल्कुल नहीं होता है। हमें तो इसके मल्टीपल लगेंगे, क्या अगर पहली बार में आंसर नहीं आया ना, तो हमें क्या चाहिएगा, LCM का मल्टीपल, LCM ऑफ 12, 16, 18, 20, 25 का मल्टीपल लगेगा। जैसे हमने किया था कि मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर, तो हमने क्या किया था, एडिशन करने के बाद मल्टीपल नहीं लिया था, हमने मल्टीपल लेने के बाद आखिरी में जो आंसर आएगा उसमें आर को ऐड किया था, क्लियर। तो ये जो एक्स है ना, ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, ये डिविजिबल होना चाहिए 7 से, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, डिविजिबल भी होना चाहिए 7 से। एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 16, 18, 20, 25 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालना है, ठीक, 2, 10, 6, 8, 9, 25 एज इट इज, 2, 5, 3, 4, 9, 25, फाइव वन फोर थ्री ट्वेंटी फाइव, ठीक, थ्री फाइव वन फोर वन ट्वेंटी फाइव, क्लियर। एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, फोर ट्वेंटी फाइव, फाइव वन वन वन, कितना आ गया हम लोगों के पास, कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया हम लोगों के पास 2 की पावर, यहां 2 है, 2 की पावर यहां 2 है, 2 की पावर 4, फिर कितना आ गया 3 का स्क्वायर, फिर कितना आ गया 5 का स्क्वायर, एलसीएम इतना आ गया। इसकी वैल्यू क्या है, एलसीएम की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 4, 16, 16 इंटू 9 इंटू 25, 16 इंटू 25 कितना होता है, 25 इंटू 16, ठीक है, 320, 400, 400 इंटू 9, 3600, तो एलसीएम कितना आ गया, 3600 आ गया एलसीएम, 3600। अगर वो हमसे ये कंडीशन नहीं देता, क्या अगर वो हमसे सबसे छोटा नंबर पूछता, तो हम क्या लिख देते डायरेक्ट, हम क्या लिख देते डायरेक्ट, x इक्वल टू 3600 प्लस रिमाइंडर कितना है 4, इतना लिख देते हम लोग। अगर हमसे ये बोल देता कि सिर्फ हमसे सबसे छोटा नंबर बताइए, तो हम ये लिख देते। कंडीशन क्या रख दी उसने, ये भी बोला है कि डिविजिबल होना चाहिए 7 से, डिविजिबल होना चाहिए 7 से, तो क्या करेंगे, यहां पे हम एक नंबर ले लेंगे a,
एक क्या है क्वेश्चंट है, यहां पे एक क्या है क्वेश्चंट है, ए की वैल्यू वन रखने पे चेक करेंगे क्या सेवन का मल्टीपल है, ए की वैल्यू टू रखने पे चेक करेंगे क्या सेवन का मल्टीपल है, ऐसे करते जाएंगे ठीक है, कब तक, जब तक सेवन का मल्टीपल ना आ जाए, क्लियर, जब तक मल्टीपल ना आ जाए ठीक। देख लेते हैं रख के, जब x a की वैल्यू कितनी होगी तो ये कितना हो जाएगा 3604 हो जाएगा। क्या है 7 से डिविजिबल है, क्या ये 7 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा था 7 के लिए, तीन तीन के पेयर बना लो ठीक, 604 में से तीन गए तो कितना 601, 601 डिविजिबल है क्या, 601 डिविजिबल है क्या, 7 5 7 8 56 41 बचेगा, नहीं, ए की वैल्यू 2 रख दो तो 3600 इंटू 2 7200 होता है तो 7204 हो जाएगा। क्या है डिविजिबल है 7 1 7 2 14 64, नहीं ये भी नहीं है, ए की वैल्यू 3 रख दो कितना हो जाएगा, ये 3 36 3 10 10804 देख लो क्या डिविजिबल है ठीक, क्या ये डिविजिबल है 10804 क्लियर, क्या डिविजिबल है देख लेते हैं, तीन तीन के पेयर बनाओ 804 - 10 कितना हो जाएगा 794, क्या 794 डिविजिबल है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है, ए की वैल्यू 4 रख दो कितना हो जाएगा 3600 × 4 1440 तो 14404 हो जाएगा ये, क्या ये डिविजिबल है 404 में से 14 गए तो कितना हो जाएगा 390, क्या डिविजिबल है नहीं है, ए की वैल्यू 5 रख दो, ऐसे चेक करना पड़ेगा उस टाइम हमें 1800 कितना हो जाएगा 18000 कितना हो जाएगा 36 × 5 1800 18004 क्या डिविजिबल है 18 में से 4 गए, 18 में से तीन तीन के पेयर बना लिए ना हमने, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, ये तीन तीन का पेयर बनाए इसका मतलब 0, 18 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा 14, क्या 14 डिविजिबल है क्या 7 से, हाँ बिल्कुल है, तो 18004 मतलब क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600 × 5 + 4 कितना हो जाएगा 18004 क्लियर। हमसे क्या बोला है 1000 प्लस की क्या बताइए डिजिट बताइए, 1000 प्लस वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड कितना आ जाएगा 8 क्लियर है बात, कितना आ जाएगा 8 क्लियर। इस टाइप से हमें वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, अगर ये कंडीशन नहीं लगाता हूं मिनिमम नंबर पूछता तो हम बोल देते 3604 वो नंबर है, लेकिन हमसे क्या बोला गया है हमसे एक कंडीशन और रख दी गई है कि डिविजिबल होना चाहिए 7 से ठीक, तो 7 का मल्टीपल यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 में एलसीएम में ठीक, क्योंकि सबसे छोटा नंबर जो हो रहा है वो डिविजिबल नहीं है 7 से, उसका अगला नंबर कैसे देखेंगे एलसीएम में मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम के मल्टीपल लेते चलेंगे और हर बार मल्टीपल लेंगे तो प्लस 4 ऐड कर देंगे 360 3600 + 4 उसका डबल 7200 + 4 फिर 360 ऐड किया 10800 + 4 इस टाइप से करेंगे क्लियर, क्लियर है बात। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास, 7 to the power 19 + 2 इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज, क्या है क्वेश्चन 7 to the power 19 + 2 इज डिवाइडेड बाय 6 तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इज व्हाट, रिमाइंडर क्या आएगा, कैसे करेंगे, क्या हम इसे ब्रेक कर लें, पहले इसे डिवाइड कर लें फिर इसे कर लेंगे, रिमाइंडर आएगा उसे ऐड कर देंगे, इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहां से क्या हम 7 को लिख सकते हैं 7 - 1 to the power 19, क्या 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं 6 + 1, 7 तो है उसमें ऐड सब्सट्रैक्ट थोड़ी करेंगे, 6 को 6 + 1 कर देंगे 7 को बिल्कुल कर देंगे प्लस 2 / 6 ये तो एज इट इज रहेगा, जेजो एज इट इज रहेगा, ये तो यहां से क्या हो जाएगा 1 to the power 19 हो जाएगा प्लस यहां से रिमाइंडर कितना आएगा 6 से छोटा है तो 2
तो आंसर कितना आएगा, 3। 3 इज द आंसर। क्या आएगा आंसर, 3। हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, अगर वो नंबर दिख रहा है तो 6 × q + 1 पढ़ा था हमने, 6 × q + k पढ़ा था, k^n, तो k^n हो गई, +2 हो गया। क्लियर है बात यहां तक, बात क्लियर। एक तरीका और था इसका करने का, कौन सा तरीका था, फर्मेट्स थ्योरम पढ़ी थी हमने, फर्मेट्स थ्योरम। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 7^3 इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7^3 × 6। पर हमें तो 5 चाहिए, हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, एक पावर कम होनी चाहिए ना, 5 चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 3 × 5, 5 × 3 = 15, बचा कितना, बचा कितना यहां से, 7^4, तो क्या 6 + 1/6^4 लिख सकते हैं क्या, +2/6। यहां से करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आंसर तो आ जाएगा हम लोगों का, ठीक। तो कहीं कहीं पे हमें ये तरीका सही होता है, फर्मेट्स थ्योरम लगा लो, या फिर जहां से बिना नॉर्मल इक्वेशन को लगाए, ax + b / a^k, तो k^n आता है। अगर यहां से आंसर नहीं आए ना, तो क्या करो, यहां से देख लो, अगर यहां से आंसर नहीं आए तो, इस केस में तो दोनों से आंसर आ रहा है, यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 1 इंटू यहां पर कितना आ जाएगा, 1^4 +2/6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 + 2, यहां से भी 3 आ जाएगा। आंसर दोनों से आना है, आंसर दोनों से आना, जब हमें प्रैक्टिस करनी है तो हमें दोनों से सॉल्व करते सीखना है, ठीक। कितना आ जाएगा आंसर, 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ, कल ही पढ़ा हमने यूनिट्स प्लेस के लिए, क्या तरीका है, क्या तरीका था यूनिट प्लेस के लिए, क्या करो, उस नंबर को 4 से डिवाइड कर लो, क्या नंबर दिया है, 2153 × 167। ये था, हमने क्या पढ़ा था कि ये 4-4 की साइकिल में क्या होते हैं, 4-4 की साइकिल में हमारे नंबर्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं 4-4 की साइकिल में। लेकिन कल हमने एक और केस पढ़ा था, वहां पे क्या था कि अगर इवन नंबर की पावर ऐसी बन जाती है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, ध्यान से सुनना, अगर इवन नंबर की पावर 4 से डिविजिबल करने पे ऐसी आ जाए कि रिमाइंडर 0 बचे, तो उसे 0 नहीं, उसे 4 करेंगे, क्योंकि इवन नंबर का, जब हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर स्क्वायर होता है ना, तो 2 का इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर, क्यूब क्या होगा, इवन नंबर। तो किसी की भी पावर अगर हम 0 लगा देंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया, मान ली 2 के लिए 2^8, ठीक, 2^8 हुआ, तो क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, तो क्या 2^8 का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2^4, 2^4 लिया हमने, क्लियर, तो क्या हो जाएगा, हमने 4 को 4 से डिवाइड किया, क्योंकि 4 की साइकिल चलती है, 4 से डिवाइड किया, अगर 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा, क्योंकि 2^4 है, और पावर को 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक। लेकिन यहां पे क्या करना है, हमें रिमाइंडर को 0 नहीं, उसमें +4 ऐड कर देना है, अगर हमने +4 ऐड नहीं किया ना 0 में, तो 2^0 हो जाएगी और यूनिट डिजिट बनेगी 1। लेकिन क्या 2^4 में 16 होता है, 2^4 के यूनिट डिजिट 1 होती है, नहीं 6 होती है, नहीं 6 होती है, उसमें 4 ऐड करना पड़ेगा वापस से, क्लियर, तभी जाके क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा, तभी क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पे बहुत कम होता है वैसा वाला केस, जैसे यहां पे दिया है ना 3, इसे क्या करो, 167 को 4 से डिवाइड कर लो, कितना बचा, 3^40, 1 रिमाइंडर 3 बचा, 3^3 = 27, आखिरी में क्या आया, 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7, आंसर 7 आ जाएगा, क्लियर बात। बहुत कम होते हैं केस, लेकिन अगर ध्यान देना है कि अगर क्या स्क्वायर क्यूब में उस नंबर में 1 आ सकता है क्या, कभी 1 2 में नहीं आ सकता, जितने भी इवन नंबर है ना उनमें क्या हो सकता है, 1 कभी नहीं आएगा, 1 कभी नहीं आएगा, ठीक। 5 के केस में भी 1 कभी नहीं आएगा यूनिट प्लेस पे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर नहीं आ पा रहा है ना तो हमें +4 ऐड कर देना है, हमें इतना पीछे भी नहीं जाना है, +4 ऐड कर दो बस, आंसर आ जाएगा, क्लियर।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है 7 to the power 19 plus 2, 7 to the power 19 plus 2, अगर इसे डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, यही पूछा है। कैसे करेंगे, क्या हमने ये वाला सीक्वेंस देखा था? अगर ये सीक्वेंस में है, मान लो ये 6 हो ये 7 हो, तो क्या कर देंगे हम? 7 को लिख सकते हैं 6 plus 1, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं 6 को टू दी पावर 19 प्लस इसे सॉल्व कर लेंगे इसका रिमाइंडर, तो दोनों के रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, दोनों के रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। हमने ये वाली चीज पढ़ रखी थी पहले ही, क्या ए एक्स प्लस के डिवाइडेड बाई बी टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन कितनी हो जाएगी, रिमाइंडर कितना बचेगा, के टू दी पावर एन, के टू दी पावर एन बचता है रिमाइंडर इस केस में, क्या बचता है, के टू दी पावर एन। क्लियर, अगर हम डिनोमिनेटर वाले ए को इस फॉर्म में लिख पाए तो, अगर 6 का मल्टीपल कुछ बन रहा है ऊपर और उसमें कुछ रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं, तो k का रिमाइंडर क्या करेंगे, रिमाइंडर आएगा k टू दी पावर n, यहां से रिमाइंडर 2 आएगा, यहां कितना आएगा 1 टू दी पावर 19 प्लस यहां से रिमाइंडर आया 2, 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर बात यहां तक, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला, क्या क्वेश्चन है, द डिजिट इन यूनिट स्पेस ऑफ 2153 टू दी पावर 167। कैसे करेंगे यूनिट प्लेस फाइंड आउट करने के लिए, हमें पता है कि 4-4 की साइक्लिक नंबर की चलती है, 4-4 की साइकिल नंबर में चलती है, ठीक है, ये साइक्लिक नंबर होते हैं, रिपीट होते हैं हर 4 नंबर के बाद, तो हमारा मतलब होता है कि हम पावर को 4 से डिवाइड कर लें और जो रिमाइंडर आए उसे क्या करें, चढ़ा दें वहां पे, उसे क्या करें, जो यूनिट प्लेस पे है नंबर उस पे चढ़ा देंगे, जो नंबर आएगा वही आएगा। ध्यान देना यहाँ पे कि अगर यहाँ पे तो ऑड नंबर है और यहाँ 4 से डिवाइड करने पे हमारे पास 0 रिमाइंडर भी नहीं आ रहा, लेकिन क्या हो अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, लेकिन क्या हो अगर रिमाइंडर 0 भी हो जाता है, और क्या होता है कि जो यूनिट प्लेस है हम लोगों की, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो जाए अगर, ठीक, तो हमारा अगर रिमाइंडर लेना है, हमें मान लो 2 की पावर 4 दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, 2 की पावर 4 में रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर कितना आएगा 4 से डिवाइड करने पे 0, रिमाइंडर 0 आएगा। हमने लगा दिया कि 2 की पावर 0 तो यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा 1, एनीथिंग की पावर 0 इज 1, तो क्या 1 हो पाएगा क्या यहां से, बिल्कुल नहीं, 1 गलत है, क्योंकि इवन नंबर की कितनी भी पावर लगा दे 1 कभी दे नहीं सकता वो, ठीक ना, 5 हमें 1 दे सकता है यूनिट प्लेस, 5 की पावर कुछ भी लगा दो 1 कभी नहीं आएगा यूनिट प्लेस में, आएगा तो 0 और 5, ठीक, 0 और 5 आएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करने है? अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है और जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है 4 से, फिर से सुनना, अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है और नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है 4 से, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 रिमाइंडर आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0, तो उसमें 4 का ऐड कर देंगे, 4 को ऐड कर देंगे, इस केस में तो नहीं हो पा रहा है, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक। अगर ये पूरा नंबर जो पावर है ये 2 से 4 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करेंगे, क्या ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, क्या पूरा नंबर चेक करेंगे, नहीं, हमने पढ़ रखा है कि 4 के डिविजिबिलिटी रूल में कि अगर हमें चेक करना है वो नंबर डिविजिबल है 4 से नहीं, तो हम आखिरी की 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे, 67 है, 64 बचा कितना 3, तो 3 की पावर कितनी लगा दी हमने, 3 3 3 9 9 3 27, रिमाइंडर कितना आया 7, कितना आया यूनिट डिजिट 7 आया। क्लियर है बात, क्लियर है।